लेकिन एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, और वो सिग्निफिकेंस देखिए, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कराएं तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट है वेट लिफ्टेड और इनपुट है एफर्ट मेड बाय यू, दैट इज द टेंशन। और आपने देखा टेंशन और वेट लिफ्टेड दोनों तो बराबर है, तो ये आ गया वन, यानी नो मैकेनिकल एडवांटेज, यानी सिंगल पुली का कोई मैकेनिकल एडवांटेज आपको नहीं मिला है, सिंपली ये फैक्ट है। लेकिन एक बेनिफिट फिर भी आपको मिला है, जब नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन पे आप आएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन में देखना टेंशन की वैल्यू आप आ गए वहां पे, लाके यहाँ पुट कर दीजिए। अगर पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, पुट करेंगे तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द मैन माइनस वेट इज टू बी लिफ्टेड। तो इस तरीके से वेट आप मैन में से वेट इज टू बी लिफ्टेड को माइनस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस्ड हो गया। जनरली हम मैकेनिक्स में नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस्ड को प्रेजेंट सिचुएशन मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस्ड मतलब उतनी एफर्ट या उतनी मेहनत या उतनी थकान नहीं होगी जितनी कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाने पर होती। अगर इस वेट को हम डायरेक्ट लिफ्ट अप करा लेते, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखिए वो डायरेक्ट लिफ्ट अप करने में अनप्लीजेंट सिचुएशन आती, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसका बढ़ जाता और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ना एक प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सेम मैन इज लिफ्टिंग द सेम मास विद अ स्ट्रिंग डायरेक्टली, नो एनी पुली इज इन्वॉल्व, से लाइक दिस 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 मैन इज ऑफ मास स्मॉल m मेकिंग अ एफर्ट डेवलपिंग अ टेंशन t, मास सस्पेंडेड इज m, नाउ वेट इज डाउनवर्ड। Here also, if you split this system into the constituent, आपके पास एक man है, ground है, and weight is to be lifted है। अगर आप man की free body diagram बनाएं, तो mg, downside, normal reaction, upside, and one normal reaction is experienced by the ground, downside. ग्राउंड है तो इसीलिए उसको शो नहीं करते हैं, लेकिन प्लैग पर होगा, बोर्ड पर होगा, तो फ्यूचर में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ इस पूरे सिस्टम को स्प्लिट करें तो आपको एक मैन को डिस्कस करना है और एक वेट लिफ्टेड को डिस्कस करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि मैन का वेट डाउन साइड है, मैन का नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड है, और स्पेयर टेंशन में से एक इसके हाथ पर है, नहीं पता, चलिए आगे बढ़िए। आइए यहाँ वेट लिफ्टेड पर, अगर वेट लिफ्टेड पर आए तो वेट लिफ्टेड में ये है डाउनसाइड, और ऑब्वियसली अगर सस्पेंडेड है तो टेंशन होना चाहिए था अप साइड, अगर टेंशन अप साइड, टेंशन अप ये वेट लिफ्टिंग में गया तो टेंशन डाउन जो है वो मैन के हैंड पे चला गया। अब आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन है, आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेट इज टू बी लिफ्टेड है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ मैन के लिए लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इस केस में एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो आप अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वेट करा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम जी प्लस टी, और अगर यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी। नाउ अगर यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालना है तो आउटपुट है वेट लिफ्टेड और इनपुट है टेंशन अप्लाइड, तो भाई टेंशन तो आपने उतना ही अप्लाई किया जितना वेट लिफ्ट अप करना था, तो ये कितना आ गया, वन आ गया, यानी नो मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इसमें और उसमें मैकेनिकल एडवांटेज में कोई अंतर नहीं है। अब अगर आप इस एम जी को यहाँ ला के वापस पुट कर देते तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा नाउ एम जी प्लस एम जी। देखिए नॉर्मल रिएक्शन इज इनफीड, दिस इज कॉल्ड अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है, ये प्लेजेंट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जनरली ड्यूरिंग द वर्किंग नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा मोस्ट जनरल पार्ट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें आप वैरायटी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आसान में एक और आता है, अब तो हमको पुली में एंटर करना होगा, लेकिन अगर देखें तो इसमें आपको लिफ्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी जनरल एफबीडी में ही आती है। आपको ये बताया गया होगा कि अगर आप लिफ्ट में हैं एंड लिफ्ट इज कंटिन्यूअसली एक्सीलरेटेड, तो उस केस में आपका जो अपारेंट वेट है इज आइदर इंक्रीज्ड आर डिक्रीज। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब तो आपका रियल वेट और आपका अपारेंट वेट बराबर होगा, लेकिन अगर लिफ्ट एक्सीलरेट हो गई, अच्छा लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है तो आपके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब कोई कोई फोर्स तो आपके बॉडी पर आया नहीं,
तो अगर हम लिफ्ट की प्रॉब्लम बताएं, कहते हैं ना प्रॉब्लम एसोसिएटेड इन लिफ्ट आर एलिवेटर, तो इसमें देखिए न्यूटन ने बड़ा सिंपल मेजरमेंट या सजेशन दिया और बहुत ही सिंपली आप इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लिफ्ट में आप ऐसे कह लेते कि यहां अगर एक मैन है, आप मास एम है, वेट एक्टिंग डाउन साइड है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अप साइड हो गया, और व्हाट द लिफ्ट इज एक्सपीरियंसिंग या वेइंग मशीन पर है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन डाउन साइड हो गया, और अब अगर हम लिफ्ट को अप एक्सीलरेट करा देते तो आपको पता है मैन को बाहर निकालिए, उसके लिए इक्वेशन आप मोशन जनरेट कीजिए अंडर द फ्री बॉडी। ऐसे एम जी डाउन साइड है, नॉर्मल रिएक्शन अप साइड है, एंड द मैन एक्सीलरेटिंग अप साइड है, प्लस आर माइनस एम जी, नाउ नेट फोर्स हो गया इक्वेटेड टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हो जाएगा प्लस आर माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ यहां से आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है एम जी प्लस एम ए, यानी नेट वेट ऑफ द पर्सन इज इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया उसका, ठीक है, यानी मैक्सिमम का क्राइटेरिया हो गया। अगर यही केस हम दोबारा लेते अंडर द कंडीशन दैट लिफ्ट एक्सीलरेट्स डाउन साइड, तो इस केस में आपको देखना होता कि मैन इन अ लिफ्ट अगर मास एम है तो एम जी तो डाउन साइड हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अप साइड हो जाएगा, और व्हाट द ग्राउंड इज एक्सपीरियंसिंग डाउन साइड हो जाएगा, और अगर लिफ्ट डाउन साइड एक्सीलरेट है तो आपके पास अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन का क्राइटेरिया है, मैन को आप बाहर कर लीजिए फ्रॉम लिफ्ट, इसका वेट एम जी डाउन साइड है, नॉर्मल रिएक्शन अप साइड है, एंड इट इज मूविंग डाउन साइड है, आपको प्लस एम जी लेना चाहिए माइनस आर लेना चाहिए, नाउ एट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इक्वेट कराना चाहिए टू द मास इनटू एक्सीलरेशन, मींस एम जी प्लस हो गया आर माइनस हो गया इक्वेटेड टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से आप देख लीजिए एम ए को इधर करेंगे आर को उधर करेंगे तो इस केस में आपको मिलेगा एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, यानी योर अपरेंट वेट रिड्यूसेस व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउन साइड। अगर फ्री फॉल होता था तो कहते नहीं थे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू जी पुट करके देख लीजिए, फ्री फॉल का मतलब क्या, ए इज इक्वल टू जी, तो एम जी माइनस एम जी नॉर्मल रिएक्शन जीरो, यानी आप वेटलेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था कॉल्ड द स्टेट इक्वेशन, उस इक्वेशन को डिफरेंट रनिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई करना और इक्वेशन जनरेट करना आपने सीख लिया। अब जैसे पुली की बात आई थी कि पुली में मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं कि पुली का मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। जैसे हम आपको कुछ फेमस एग्जांपल दे रहे हैं, मैन लिफ्टिंग अ क्रेट, और देखिए जस्ट बैलेंस करना चाहता है या जस्ट एक्सीलरेट होना चाहता है, तो उस केस में उसको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर मैं एक क्रेट लेता, पिजड़ा कह सकते हैं आप, क्रेट लाइक दिस, और इसमें एक मैन अपने आप को बैलेंस कर रहा है लाइक दिस, ये क्रेट है, आप मास है कैपिटल एम, और ये मैन है आप मास है स्मॉल एम, और यहाँ एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पुली से बांध दिया, पास करा दिया और लाके यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज सपोर्टेड बाई अ स्ट्रॉन्ग पैग, ये ग्राउंड से काफी ऊंचे है। अब चलिए मान लेते हैं बैलेंसिंग क्राइटेरिया डिस्कस करना है, अगर बैलेंसिंग क्राइटेरिया डिस्कस करना है तो आपको अच्छी तरीके से पता है इसका वेट एम जी डाउन साइड काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अप साइड काम करेगा, व्हाट द क्रेट इज एक्सपीरियंसिंग डाउन साइड काम करेगा, व्हाट इज वेट ऑफ क्रेट डाउन साइड वर्क करेगा, और ये जैसे ही एफर्ट बनाएगा पेयर टेंशन, आपको पता है पुली डिस्कस नहीं करना है, टूवर्ड पुली ट्रांसफर हुआ टूवर्ड पुली, नाउ दिस इज द होल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन क्रेट एंड ओवर द पुली, ठीक है। अब अगर इसको सेपरेट करें तो आप मैन को बाहर निकालिए, अगर मैन को बाहर निकालेंगे आप मास एम, देख लीजिए एम जी डाउन साइड है,
नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड है और हैंड पे टेंशन आपने बनाई दिया है, ये अपसाइड है। जस्ट बैलेंस का क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं। अगर क्रेट को आप देखें बाहर करके, तो क्रेट का मास तो कैपिटल एम है, वेट mg डाउनसाइड है, और मैन की अवेलेबिलिटी ओवर द क्रेट नॉर्मल रिएक्शन आपको डाउनसाइड दे देगी। और कुछ ये जो टेंशन था इसमें से देखने ना, एक टेंशन ये यहां तो ये टच नहीं कर रहा है, इस क्रेट को बैलेंस करने के लिए ये टेंशन रिस्पांसिबल है, एक टेंशन अपसाइड है। अगर जस्ट बैलेंस की बात कर रहे हैं तो मैन की हो जाएगा r + t = mg + r + t = हो जाएगा mg। और अगर इसकी बात करें तो इसमें देख रहे हैं t अप है, r और mg डाउन है, यानी हो जाएगा t = r + mg। यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मैन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा r = mg - t, और इस r को आप यहां उठा के पुट कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा t = mg - t + mg, ये माइनस टी इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा mg + mg, यहां से t, t हो जाएगा नाउ m + m g / 2। क्या ऐसा नहीं लगा, मैकेनिकल एडवांटेज 2 का हो गया, एफर्ट मेड बाय द मैन तो t था ना, और जब कंबाइंडली हम पहुंचे हैं तो फाइनली हमको 2t मिल रहा है। देखिए टोटल जो लिफ्ट करना है वो m + m / 2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 150 100 केजी का होता तो 100 बाय 2 50 केजी का ना एफर्ट करना पड़ता। इसमें एक सीपीएमटी में आई हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। अगर हम एक आपको सिस्टम बना कहते हैं लाइक दिस, ये थ्रेड पास हो रहा है इस पे लाइक दिस, और ये यहाँ जाके डिसअपियर हो गया यहाँ, ठीक है, जहाँ ये सस्पेंडेड है फ्रॉम पेग, ये यहाँ एक हमने मास हैंग कर रखा है, चलिए 50 केजी का ले लेते हैं, और यहाँ एक मैन एफोर्ट कर रहा है, ठीक है, पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज बताइए या बताइए टेंशन कितना है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ अगर आप मैन को एफोर्ट करने देंगे तो टूवर्ड पुली टी ट्रांसफर हुआ, 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 टूवर्ड पुली टी डिसअपियर हो गया, टीटी टू टी, देख रहे हैं इस एम को लिफ्ट अप करने में जो रिस्पांसिबल है वो कितना है, इसका वेट एम जी डाउन साइड है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा टू टी इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से आपको टी मिल जाएगा एज द एम जी बाई टू, हाफ एफर्ट ही तो करना पड़ रहा है इसको। इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल हैं, अगर एक आध एग्जाम्पल और हैं तो देखिए बेस्ट एग्जाम्पल्स में आपके पास पुली के लिए ऐसे है कि क्रेट है, डीसी पांडे में खूब ढेर सारी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, ये क्रेट है, आप मास है कैपिटल है, और यहाँ हमने एक पुली लगाई और मैन को यहाँ एफर्ट करने दिया, ये दूसरी पुली लगाई और यहाँ चले आए, मैन का मास है एम और यहाँ हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ मैन का एफर्ट अगर टी है, ये यहाँ पहुँच गया टी, आपको पता है टू टी, तुरंत यहाँ पहुँच गया टू टी, तुरंत यहाँ पहुँच गया टू टी। मैन के लिए देखेंगे तो वेट एम जी डाउन साइड हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड हो जाएगा, एंड व्हाट द क्रेट इज एक्सपीरियंसिंग, ग्राउंड पे तो नेग्लेक्ट कर देते, अब नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, आप आर लिखेंगे। इस तरीके से आपके पास ये फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। अगर आप मैन को बाहर कर लेते तो मैन के लिए आप देखिए वेट एक्टिंग डाउनसाइड है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अपसाइड है, टेंशन ऑन द हैंड अपसाइड है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके ऊपर। क्रेट के ऊपर देखिए, तो क्रेट के ऊपर देखेंगे तो क्रेट का अपना वेट डाउनसाइड है, मैन की अवेलेबिलिटी ओवर द क्रेट डाउनसाइड है, और देखिए एक टी यहां है क्रेट पर, और मैन का जो कनेक्शन है वो रिएक्शन के टर्म में उस पर ट्रांसफर हो गया है, और एक दूसरा यहाँ टूटी है, ठीक है, दिस मीन्स दैट ये हो गया टूटी। अगर आप मैन पर हाथ रख रहे हैं तो मैन के लिए आपको इक्वेशन मिल रहा है आर प्लस टी इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एम जी माइनस टी।
क्रेट पर हाथ रखिए, क्रेट पर रखेंगे तो देख रहे हैं 3T अप है और R और Mg डाउन है, ये हो जाएगा 3T is equal to R plus Mg. R जो आपने निकाला था from man उसको उठा के पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3T is equal to Mg minus